बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म में ग्लूकोज की कमी, इजाफा और उसका इलाज। प्यारे व्यूअर्स, ग्लूकोज क्या चीज है? ग्लूकोज चीनी की एक ऐसी किस्म है जो जिस्म में खुलियों के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है। ये खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने से हासिल होता है और जिगर से भी पैदा होता है। खून में ग्लूकोज की सतह को इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जब खून में ग्लूकोज की सतह बहुत कम हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया नामी हालत का बायस बन सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात में सर दर्द, उलझन, चिड़चिड़ापन, पसीना आना और झटके शामिल है। शदीद हाइपोग्लाइसीमिया शऊर की कमी और दौरों का बायस बन सकता है। इंसुलिन की कमी लबलबा के जरिए तैयार करदा एक हार्मोन जो ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करता है, ज़ियाबीतस नामी हालत का बायस बन सकता है। ज़ियाबीतस की दो किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इन दोनों के नतीजे में खून में ग्लूकोज की ज्यादा मकदार और सेहत से मुताल्लिक मुताद्दिद मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में आम तौर पर ग्लूकोज के फौरी काम करने वाले जरिया जैसे फलों का रस या कैंडी इस्तेमाल करना शामिल है। ज़ियाबीतस की सूरत में इलाज के इख्तियारात में तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, जुबानी अद्वियात और इंसुलिन के इंजेक्शन शामिल है। इलाज का मकसद पेचीदगियों के खतरे को कम करने के लिए ग्लूकोज की सतह को मामूल के करीब रखना है। इसके बरअक्स एक दूसरा कंडीशन कहलाता है जो हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया एक ऐसी हालत है जिसकी खसूसियत खून में ग्लूकोज की आला सतह होती है। ये बेकाबू ज़ियाबीतस बाज अद्वियात, तनाव या बीमारी के नतीजे में हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया की अलामात में प्यास में इजाफा, बार बार पेशाब का आना, धुंधला नजर आना, थकावट और खट्टू और चोटों का आहिस्ता ठीक होना शामिल है। शदीद हालतों में ये पानी की कमी, सांस की किल्लत, उलझन और बेहोशी का बायस भी बन सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया के इलाज में आम तौर पर तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां शामिल होती हैं, जैसे कि खुराक को एडजस्ट करना और जिस्मानी सरगर्मी में इजाफा करना और डॉक्टर के तजवीज़ करदा अद्वियात लेना। बेकाबू ज़ियाबीतस की सूरत में इंसुलिन की खुराक को एडजस्ट करना या इंसुलिन की किस्म की तब्दील करना जरूरी हो सकता है। इलाज का मकसद ग्लूकोज की सतह को मामूल पर लाना और तवील मुद्दती पेचीदगियों जैसे आंखों, आसाब और गुर्दों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकना है। प्यारे व्यूअर्स, आपको इस वीडियो से देख के अंदाजा हो चुका होगा कि ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर इसकी कमी भी और इसका इजाफा भी बीमारी का बायस बन सकता है और दोनों कंडीशंस में ज़ियाबीतस हो सकता है। इसीलिए हमें अपने खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए और जिस्मानी वर्जिश भी करनी चाहिए, जैसे कि रोज़ाना आधा घंटा वॉक या कोई हैवी एक्सरसाइज करना शामिल है। जो लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज़ईफ़ुल उम्र है, उनके लिए वॉक भी ठीक है, लेकिन जवान जिनको शुगर है या ज़ियाबीतस का के अलामात हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना के बेस पे हैवी एक्सरसाइज करें
ताकि उनका पसीना निकले। और जो रिफाइंड शुगर होता है उससे परहेज लाजमी है। कि आजकल के दिनों में सबसे पेचीदा मसला है जो कि आजकल 30 से उम्र ज्यादा होने से शुरू हो जाता है और इंसान को बीमार करके रखता है, इसीलिए हमें एहतियात करना चाहिए अपने खुराक में और अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।